हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के चैप्टर में हमने काफ़ी इफ एल्स किया, काफ़ी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे। अब देखते हैं पीएचपी लूप्स, जिसमें हम देखेंगे लूप क्या होता है, उसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लूप होता क्या है। लूप मींस इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इजी वे से समझते हैं। लूप मीन्स रिपीटेशन। जब कोई भी कोड ब्लॉक को हमें एक से ज्यादा बार प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है, तब हम लूप का यूज करते हैं। लूप को हम इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि हम लूप क्यों यूज करें। लूप इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमें कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1 to 100 प्रिंट करना है तो हम 100 बार इको या प्रिंट नहीं लिखेंगे। हम यूज करेंगे लूप का और उसमें सिर्फ एक बार इको या प्रिंट लिखेंगे। अब देखते हैं लूप के टाइप्स। पीएचपी में 4 टाइप के लूप अवेलेबल हैं: व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर एंड फॉर ईच। आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है तब तक जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। तब तक व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इसीलिए व्हाइल लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। समझते हैं उसकी सिंटैक्स। तो व्हाइल और ब्रैकेट में आपकी आएगी कंडीशन, यानी कि ट्रू कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक उसका कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब देखते हैं उसका एक एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास एक वेरिएबल है $a=1, उसको हमें प्रिंट करना है 10 तक। तो हम व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाएंगे $a <= 10। जब तक ये कंडीशन सही होती जाएगी एक ही वैल्यू प्रिंट होती जाएगी और उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी। देखते आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे आपको 1 to 10 मिल जाएगा। जैसे ही एक ही वैल्यू 100 होगी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आउटपुट स्टॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप ऑलवेज कोड को एक बार एग्जीक्यूट करता ही है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। डू व्हाइल लूप में कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इसीलिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। उसकी सिंटैक्स समझते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू, देन ब्रैकेट के अंदर आपका कोड और लास्ट में रहेगी आपकी कंडीशन। देखते हैं उसका एक एग्जांपल। इस स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है $a=100। अब हम लिखेंगे डू और उसका ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमने एक ही वैल्यू को डिस्प्ले किया हुआ है और एक ही वैल्यू को 1 इंक्रीज किया हुआ है और कंडीशन हमने रखी है सबसे लास्ट में। तो ये कंडीशन कहां तक चलनी चाहिए? 10 तक। तो देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। यहां पे आपको सिर्फ 100 मिलेगा, बिकॉज 100 एक बार प्रिंट हो गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो आउटपुट आएगा 101 और कंडीशन चेक होगी कि a <= 10। यहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसीलिए सिर्फ आपको डिस्प्ले होता है 100। आइए अब देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का तब यूज कर सकते हो जब आपको पहले से पता है कि आपको स्क्रिप्ट कितनी बार रन करवानी है। आइए समझते हैं उसकी सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा फॉर, और उसके ब्रैकेट में आपको उसके पैरामीटर पास करने पड़ेंगे और उसके अंदर आपका कोड। तो फॉर लूप के पैरामीटर कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है इनिशियल काउंटर, जो आपकी लूप को इनिशियल वैल्यू असाइन करता है। देन टेस्ट काउंटर, यानी कि आपकी लूप कहां तक चलनी चाहिए,
और लास्ट में आता है इंक्रीमेंट काउंटर, यानी कि आपको वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू इंक्रीज करवानी है। आइए देखते हैं उसका एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें 1 से 10 प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, तो यहां पे इनिशियल वैल्यू दे देंगे 1। लूप कहां तक चलनी चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 10, और कितनी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए तो 1। और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक ही वैल्यू को प्रिंट किया है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे आपको आउटपुट 1 to 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। अब देखते हैं फॉरिच लूप। तो फॉरिच लूप सिर्फ एरे के लिए यूज होता है। इसमें आपको की असाइन करनी है वैल्यू को, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा पूरा वैल्यू के अंदर। उसकी सिंटैक्स समझते हैं कि फॉरिच लूप में डॉलर एरे यानी कि वो आपकी की होगी और वो आप असाइन कर रहे हो डॉलर वैल्यू को, और वो वैल्यू को आप एग्जीक्यूट करवाते हो। देखते हैं उसका एक एग्जांपल। इस स्क्रिप्ट में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है लैंग्वेज, और उसको हमने बनाया एरे, जिसके अंदर हमने 3 की डिफाइन की है, PHP, जावा एंड एंड्रॉयड। अब हमें ये की को वैल्यू को असाइन करना है, तो हम यूज करेंगे फॉरिच लूप का डॉलर लैंग्वेज एज डॉलर वैल्यू, और वो वैल्यू को हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे आपको एरे की वैल्यू मिल जाएगी PHP, जावा एंड एंड्रॉयड। तो इस चैप्टर में हमने देखा लूप क्या होती है, किस लिए यूज करते हैं, उसके टाइप्स एंड एग्जांपल्स। अब हम आगे देखेंगे PHP फंक्शंस।